बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सनाज किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कीमा शिमला मिर्च रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 kg कीमा लिया है और 1 पाव शिमला मिर्च ली है, 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे बारीक काट लिया है, 1 टमाटर लिया हमने बड़े साइज़ का, उसे भी काट लिया, हरा धनिया, 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, ऑयल हम लेंगे हसबे ज़रूरत और नमक मिर्च भी हसबे ज़रूरत लेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसे रेडी करते हैं जी। तो बर्तन हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज में लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और टमाटर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल करें। कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1.5 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पिसा, धनिया 1/2 चम्मच, शामिल करेंगे। कीमे को हमने पहले से फ्राई कर लिया, अब हम वो शामिल कर देंगे। इससे ये है कि कीमे की अगर स्मेल वगैरह है वो ज़रा काफ़ी कम हद तक कम हो जाती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस वजह से हम कीमे को अगर अलग से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा कीमा शिमला मिर्च का। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी तो हमारा कीमा जो है रेडी हो गया, अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए अब हम इसे इसके ऊपर ढक्कन दे के दम पे रख देंगे। 5 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। दरमियानी आंच पे हम इसे रखेंगे।
चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। जायके के लिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए अब हम इसे मिक्स करके तो हल्का सा दम पे रखेंगे। धनिया शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें, बहुत मज़ेदार सा। आप भी रेसिपी को फॉलो करें, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी जी। तो अब हम बस 2 मिनट के दम पे रखेंगे और फिर इसे बर्तन में निकाल लेंगे। जी माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो कीमा शिमला मिर्च है वो रेडी हो गया। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। जी तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा हमारा कीमा शिमला मिर्च का सालन तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।